समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना अंतर्गत अंतर जिला तस्करों की गिरफ्तारी। विश्वविद्यालय समाज शास्त्र विभाग में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुमंडल परिषद नई दिल्ली द्वारा 10 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से पहुंचे प्रोफेसर अरविंद कुमार। नागेंद्र झा स्टेडियम दरभंगा में मीडिया स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के तत्वाधान में 13वां प्रमंडलीय मीडिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 की शुभारंभ। दिल्ली के लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से विजयी भाजपा नेता अभय कुमार वर्मा पहुंचे अपने पैतृक गांव। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार मल्लिक पहुंचे। MLSM कॉलेज के तत्वाधान में प्रधानाचार्य विद्यानाथ झा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन। भाकपा माले इंसाफ मंच व 2 दिवसीय राज्य व्यापी प्रतिवाद के तहत शांति व न्याय मार्च। मधुबनी में बाबा विमल शरण दास एवं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सीताराम महायज्ञ का शुभारंभ के साथ साथ कलश यात्रा। अब देखिए दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। आज दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला अंतर्गत लहरियासराय थाना के बाकरगंज अभंडा से अनिल कुमार भंडारी पिता स्वर्गीय रमेश भंडारी के घर से छापेमारी के दौरान करीब 600 ग्राम गांजा, नशीली टैबलेट, मोबाइल, स्कूटी और गांजा से भरा सिगरेट का डिब्बा एवं नगद रुपया की बरामदी एवं प्राथमिकी अभियुक्त सुशीला देवी पिता स्वर्गीय रमेश भंडारी चाकिन बहादुरपुर थाना लहरियासराय को गिरफ्तार किया गया एवं अनिल भंडारी भागने में सफल हो गया था। दिनांक 27 जून 2020 को अनिल भंडारी पिता स्वर्गीय रमेश भंडारी चाकिन बाकरगंज थाना लहरियासराय को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने उन्होंने अपने स्वीकार किया कि बरामद गांजा को अनिल कुमार सिंह पिता स्वर्गीय परमानंद सिंह चाकिन सिंहवाड़ा थाना बहादुरपुर के यहाँ से लाने की बात बताई गई, जिसके आधार पर अनिल कुमार सिंह के घर ग्रामीण सिनवाड़ा में पुलिस निरीक्षण सह थानाध्यक्ष लहरियासराय के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उनके घर से 62,500 रुपया नगद, 12 किलो गांजा, पैकिंग एवं तौलाने का उपकरण, सिगरेट, मोबाइल सेट बरामद किया गया। इस संबंध में अनिल सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने अन्य साथियों को मोतिहारी के साहिल समस्तीपुर के जयनंदन तथा गांव के सुबोध सिंह एवं अनिल भंडारी बाकरगंज के साथ गांजा खरीद बेचने का काम स्वीकार कर लिया। इस संबंध में उपरोक्त अभियुक्तों पर सत्यापन कर छापेमारी जारी है। दरभंगा जिले में हम लोग को नारकोटिक्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कल एक बड़ी सफलता मिली है। लहरियासराय थाना और दरभंगा और बहादुरपुर थाना की ज्वाइंट टीम ने एक जगह छापेमारी करी, वहाँ से कुल हम लोग को 12 किलो गांजा जब्त हुआ है। 65,000 रुपये मिले हैं जो कि इन लोग ने ये जो नारकोटिक्स का अवैध कारोबार कर रहे थे उससे इन लोग ने अर्जित किया है। वहाँ से काफ़ी सारा पैकेजिंग मटेरियल मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग वहीं पे ही उसको प्रोसेस करके उसको पन्नियों में उसको पैक करके सिगरेट्स के डब्बे के अंदर उसको भर के इंजेक्शन से साथ में पूरा पैकेज बना के ये लोग अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करते थे। काफ़ी सारे बैंक के पासबुक मिले हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं, तो इससे एक बड़े रैकेट की पर्दाफाश हुआ है, जो कि पूरे दरभंगा टाउन एरिया में और नशे का कारोबार करते थे और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको बर्बाद करने का काम ये लगातार कर रहे थे और अपराध में भी कई सारे अपराधों में भी इनकी संलिप्तता सामने आई है। मैं बताना चाहूँगा कि दोनों का ही 2 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, उसमें से जो होलसेलर रिटेलर था वो भी अरेस्ट हुआ है और जो व्यक्ति इनको सप्लाई करता था उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। इसमें दोनों का ही आपराधिक इतिहास पाया गया है, दोनों को ही हम लोग जेल भेजेंगे और भी हम लोग को इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं जिस पर कि हम लोग आगे काम करेंगे और जो इस टीम में शामिल थे सभी को हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। दिवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है।
हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं, दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण, 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग, भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं, सह प्रयोग प्रवेक्षक, छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश, हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं, वातानुकूलित छात्रावास, एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। आज विश्वविद्यालय समाज शास्त्र विभाग में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संपोषित 10 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी से समाज शास्त्र के प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी ने शोध में अवलोकन पद्धति पर अपना व्याख्यान देते हुए कहा कि यह देखना प्रेक्षण निरीक्षण अर्थात कार्य कारण का प्रशिक्षण आदि को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है। इसमें कान तथा वाणी के अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता द्वारा घटना को उसके वास्तविक रूप में देखने पर बल दिया जाता है। प्रोफेसर जोशी ने अवलोकन की विशेषताओं में माननीय इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग, उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, कार्य कारण संबंधों को जानना, निष्पक्षता, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन आदि है। ये समापन सत्र है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल निशित कुमार, हमारे कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय सर हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी सर हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। इसके पूर्व के 2 सत्र भी उन्होंने ही लेक्चर दिए थे, उनका ही व्याख्यान था ऑब्जर्वेशन और फील्ड स्टडी। आज इस कार्यशाला का समापन सत्र है, इसके बाद सारे प्रतिभागी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी वापस चले जाएंगे। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के तत्वाधान में आज दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 13वां प्रमंडलीय मीडिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 की शुरुआत की गई। यह प्रतियोगिता दिनांक 28 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2020 तक चलेगी। वहीं इस मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SF, नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के साथ साथ कई गणमान्य लोगों के अलावा तमाम मीडियाकर्मी मौजूद थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल भी मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था और वो वक्त मैं जब ज्वाइन किया था उस समय था और एक साल लगभग गुजर गया है। मैं इस अवसर पर अब सभी लोगों को प्रशासन के तरफ से जो सहयोग लगातार मिल रही है और उम्मीद है कि भविष्य में भी मिलेगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रकार के सकारात्मक सोच से आप सभी लोग प्रशासन को सहयोग करते आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये सहयोग मिलते रहेगा। चाहे वो जितने भी सकारात्मक पहल प्रशासन ने किया हो, चाहे वो वंडर ऐप का हो या बाढ़ में आप लोग जो सहयोग किए हैं, बाढ़ के दौरान, जल संकट के दौरान जो सहयोग किए, इलेक्शन के दौरान सहयोग किए, तो आप प्रशासन के अंग हैं, मैं जरूर मानता हूं और भविष्य में भी आप अंग बने रहेंगे। क्योंकि समाज निर्माण में, समाज में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और विकास तेजी से होने में आप सभी लोगों का सहयोग और भागीदारी बहुत अहम है। मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि इस प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी अपने जो मीडिया के हमारे कलीग्स हैं जिनके साथ में हम लोग इतने समय से काम करते रहे हैं, सबको एक स्पोर्ट्स की ड्रेस में देख के मैं पहली बार ये नजारा देख रहा हूँ। आपकी उपस्थिति से ही ये मैदान कई दिनों तक अपने पूरे सबाब पे होता है। आप जब इस मैदान में उपस्थित होते हैं, अपने जो आपका बिजी शेड्यूल है वक्त निकाल के,
तो आपकी उपस्थिति आज के दौर के लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक समरसता सौहार्द को बनाने में आपकी उपस्थिति यहाँ अत्यंत आवश्यक है। आप इसी प्रकार से अपनी उपस्थिति को बनाए रखें, खेल को बढ़ावा देते रहें, यहाँ का समाज मजबूत और सुदृढ़ होगा। आपके शहर दरभंगा में खुल गया एक ऐसा दुकान जो आपको कम दामों में जादी का वादा नहीं बल्कि वाकई कम अर्थात उचित मूल्य पर बर्जर कंपनी का पेंट्स मौजूद है, जहां ग्राहकों के पसंद एवं प्रोडक्ट की क्वालिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी रोड दुनार दरभंगा चर्च गेट के सामने अवस्थित नाग एंड सन्स एक कंप्लीट पेंट्स शॉप की, जो वर्जर पेंट्स के ऑथोराइज डीलर है, जिनके यहाँ से आप अपने मनपसंद पेंट्स के अलावे जेके व्हाइट सीमेंट, बिरला व्हाइट पुट्टी, जेके व्हाइट सीमेंट पुट्टी एवं अच्छे कंपनियों के ब्रश के अलावे पेंट संबंधित सभी सामान उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। औरों से सुंदर बर्जर से शुरुआत करने हेतु एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है वीआईपी रोड दुनार दरभंगा अपोजिट चर्च गेट नाग एंड सन्स एक कम्प्लीट पेंट शॉप। इसके साथ साथ हमसे संपर्क स्थापित करने हेतु फोन करें 8298451501। दरभंगा के अस्थाई निवासी अभय वर्मा जीत हासिल करने के बाद पहली बार माता का आशीर्वाद लेने अपने पैतृक आवास हर्राही ट्रेस दरभंगा पहुंचे। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया। परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग उनके आवास पर उपस्थित थे। वहीं अभय कुमार, हम आपको बता दें कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से विजयी भाजपा नेता है। वहीं उन्होंने अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में फैली हिंसा विपक्षियों की साजिश है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत यात्रा के दौरान ही विदेशों में देश की छवि खराब करने हेतु विपक्षी पार्टियों ने साजिश कर यह हिंसा प्रायोजित की थी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। केंद्र सरकार शांति बहाली के हर संभव उपाय पर काम कर रही है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से विजयी भाजपा नेता अभय कुमार वर्मा ने अपने प्रेस वार्ता में ये सब बातें कही। जब आपसी भाईचारा का भाव नहीं रहता और जिस प्रकार से अंकित शर्मा एक सरकारी ऑफिसर जिसकी हत्या कर नाले में डाल दी गई और खुलेआम एक पुलिस को गोली मारी गई, बहुत सारी घटनाएं थी, तो ये सब घटना के बाद लोगों को रोक पाना मुश्किल होता है। बीइंग ए जनप्रतिनिधि, मेरे क्षेत्र में भी बहुत ज़बरदस्त बंद का आयोजन हुआ और सारे मार्केट बंद हो गए थे। फिर मैं अपने टीम के साथ और मार्केट के लोगों को लेके मैं दौरा किया, क्योंकि वहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, अभी मत कीजिए दौरा। लेकिन चूंकि लोगों को समझाना, समाज में आपस में वैमनस्यता को समाप्त करने के लिए आपको फ्रंट पे आना होगा, और मैं फ्रंट पे आया। मैंने पुनः दुकानें खुलवाई और पूरे मार्केट का दौरा किया और वहाँ शांति बना रहा। और आप अगर पूछते हैं क्या कारण है, तो मैं आपको एक ही घटना बताऊंगा कि हमारे जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने एक बयान दिया, और बयान ये दिया कि शाहीन बाग के लोगों के साथ हम। अब ये प्रश्न उठता है कि जो कानून संसद ने बनाया, जिस कानून को राष्ट्रपति ने साइन करके एक कानून बना दिया, क्या उस कानून का खिलाफत रोड पे किया जा सकता है? और एक उप मुख्यमंत्री जो संविधान को जानते हैं, जो संविधान की शपथ लेकर ही उप मुख्यमंत्री बने हैं, और वो कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ, तो सारा मामला वहीं से गड़बड़ है। क्योंकि आप या तो संविधान को नहीं मानते, या आप ये कहना चाहते हो कि संसद ने जो कानून बनाया है उसको हम नहीं मानेंगे, तो फिर देश कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
विधायक हूँ, तो मैं सिर्फ आपने प्रश्न किया इसलिए इंगित कर रहा हूँ कि ये बहुत ही कठिन दौर था दिल्ली का, लेकिन मैं आया ही तब हूँ जब वहाँ शांति का माहौल हो। 3-4 दिन हम लोग रात भर सोए नहीं, दो समुदाय के लोगों में बहुत तनाव था, लेकिन अब बहुत अच्छा है, भाईचारा है। मेरे क्षेत्र में तो एक छोटी भी घटना नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें सुधर गई हैं, लोगों को ये समझ में आ गया है मरने मारने से कुछ नहीं मिलने वाला, और आज और अच्छी स्थिति बनेगी और 2-3 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, पूरा जनजीवन सामान्य। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में दरभंगा घराना के विद्वान, गायक एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर पीएल प्रेम कुमार मल्लिक द्वारा सौदाहरण व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य विषय था दरभंगा घराना का संगीत। दरभंगा घराने के संगीत को बताते हुए प्रोफेसर प्रेम कुमार मल्लिक ने सर्वप्रथम राग भीम पलासी में झप ताल पर बंदिश, तत्पश्चात 3 ताल में द्रुत लय की बंदिश जार जारे अपने मंदिरवा को पूर्ण गायकी के साथ प्रस्तुत किया। चेत्री एही डाम मोतिया हेराइल गाइल रामा के बाद लोक शैली के कजरी घिर आई पुरवैया के कारी बदरिया हो कारी बदरिया भी प्रस्तुत किया। अद्भुत गायकी से उपस्थिति छात्र एवं छात्राएं बहुत लाभान्वित हुए। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG-8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। आज के ही दिन 28 फरवरी 1928 ईस्वी को भौतिकी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव खोजे थे। उन्हीं के सम्मान में उन्हें सन 1930 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी उनके सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज LSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा की अध्यक्षता में सेमिनार आयोजित किया गया।
अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि विज्ञान की खोज दो तरीकों से होती है, एक आकस्मिक और दूसरा मनुष्य और समाज की आवश्यकता के अनुसार होता है। इस सेमिनार में भूगोल के प्रोफेसर कालिदास ने भी संबोधन किया। दिल्ली जनसंहार व हिंसा के जिम्मेवार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे, दिल्ली कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी और दिल्ली में तत्काल अमन व शांति बहाल करने की मांग पर भाजपा माले व इंसाफ मंच के दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत आज दरभंगा में विश्वविद्यालय स्थित नागार्जुन मूर्ति से आयकर चौक तक शांति व न्याय मार्च निकाला गया और इस मार्च के बाद यह आयोजन सभा में तब्दील हो गया। सभा में सबसे पहले दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मार्च का नेतृत्व भाजपा माले के प्रोफेसर कल्याण भारती, भूषण मंडल, देवेंद्र कुमार, इनौस जिला अध्यक्ष केशरी कुमार यादव, ऐसा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। आज पूरा दिल्ली धधक रहा है। आपने देखा पिछले दिनों भाजपा के जो नेता है कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर शांति पूर्वक चल रहे शाहीन बाग बाग पर अनैतिक व्यवहार के तहत भड़काऊ भाषण देता है और पूरा दिल्ली धधक जाता है। और दिल्ली में जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो सूदी तक नहीं लेता है। इस घटना के अगर सीधा कोई जिम्मेवार है तो गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग आज हम शांति और न्याय मार्च के जरिए कर रहे हैं। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि आप दंगा पीड़ितों को सुविधा दीजिए, तत्काल उसको राहत दीजिए और उसके जो जिम्मेवार है भाजपा के जो नेता है कपिल मिश्रा है, अनुराग ठाकुर है, उसको जेल के अंदर बंद करिए और जांच को निष्पक्ष करिए। देवेंद्र कुमार, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। कि आपने देखा कि दिल्ली में पिछले दिन चुनाव, विधानसभा के चुनाव में भाजपा को करारी हार हुई है और जिसका बदला लेने के लिए भाजपा आरएसएस के लोगों ने पूरा दिल्ली को आज जला रहा है। वहाँ अमन चैन और शांति के लिए CAA, NRC, NPR के खिलाफ लड़ रहे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे वहाँ की माताएं बहनें, वहाँ शाहीन बाग पर लगातार उसके खिलाफ भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, अनुराग ठाकुर से लेकर के तमाम लोग, वो कह लीजिए कि भड़काऊ भाषण दे रहा है, तमाम तरह के दिल्ली में एक तरह का सेंटिमेंट बिगाड़ने के जैसा काम कर रहा है, जिसके खिलाफ पूरे देश भर में इस भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है लोग। और हम लोग चाहते हैं इस पूरा दिल्ली में जो पूरा इस तरह का दंगा हुआ है, दंगा करवाने में जो भाजपा आरएसएस का जो पूरा इस तरह का जो अनुराग ठाकुर से लेकर के वो जो मिश्रा है, वो तमाम तरह के मिश्रों को सजा होना चाहिए और हम लोग अमन चैन और शांति के लिए अभी ये मार्च में शामिल हो रहे हैं और मार्च कर रहे हैं। केशरी कुमार यादव। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है? या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है भेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 केजी के पैक में मौजूद है। इसके अलावा भेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं भेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावा हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। मिथिलांचल के पावन भूमि मधुबनी में बाबा विमल शरण दास की परिषद मधुबनी एवं मधुबनी के हिंदू भाइयों के द्वारा श्री श्री 108 सीताराम महायज्ञ का शुभारंभ एवं कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 कलश के साथ मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी वाहनों के द्वारा गंगा सागर पोखरा काली मंदिर से कलश में जल भरकर गंगा सागर चौक, महिला कॉलेज, बाटा चौक, चूड़ी बाजार, शंकर चौक होते हुए शोभा यात्रा यज्ञ स्थल गोकुल वाली आश्रम पर कलश रखी गई। पूरा मधुबनी बड़े बड़े तोरण द्वारा एवं साज सज्जा से समावय हो गया। सीताराम महायज्ञ दिनांक 27/2 से लेकर 7/3/2020 तक होगी। गंगा जिला की तमाम खबरें को एक साथ समेटे कल रात फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।